नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूं, वरिष्ठ न्यूरो सर्जन हूं और मैं बात करना चाह रहा हूं दर्द या पीड़ा और उसमें जो है ऊष्मा या गर्मी देने के महत्व से के विषय में। सदियों से हम लोगों को पता है कि जब कभी छोटी मोटी चोट लगती है या हम लोगों को मांसपेशी में चोट लगती है या कोई और चोट लगती है तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है कि हम उस जगह को एक तो हिलाते नहीं है ताकि उसमें दर्द ना हो, रोक लेते हैं उसका मूवमेंट। दूसरे जो है वहां पे हम गर्मी पैदा करते हैं, चाहे वो सेक से, चाहे गर्म पानी से, किसी भी तरह से। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे आराम मिलता है। आज मैं बताना चाहूंगा कि इसका क्या वैज्ञानिक कारण है। किसी भी शरीर के अंग को या हिस्से को गर्म करा जाए तो सबसे पहला वहां पे असर होता है कि वहां पे रक्त का प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसके कई फायदे होते हैं। एक तो वहां पे सूजन कम होती है, दूसरे जो दर्द पैदा करने वाला मॉलिक्यूल है, अणु है, जिसको हम सब्सटेंस पी कहते हैं, वो रक्त के प्रवाह के साथ जल्दी से उस जगह से हट जाता है और हमको दर्द में आराम आता है, पीड़ा में राहत मिलती है। इसके अलावा गर्मी देने से या ऊष्मा प्रदान करने से उस हिस्से में जो है जो मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, उनका स्पैज्म कम हो जाता है, जिससे कि हम लोगों को आराम मिलता है। इसी तरह से जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उसको यदि कहीं पीड़ा हो रही है तो शारीरिक पीड़ा तो कम होनी ही चाहिए, उसके मन में भी यह आभास होना चाहिए कि उसको पीड़ा में आराम आ रहा है और वो सुरक्षित है। तो गर्मी देने से या ऊष्मा प्रदान करने से ये पाया गया है कि साइकोलॉजिकल लेवल पे भी, स्तर पे भी हमको आराम मिलता है और हमको एक सुरक्षा की भावना पैदा होती है, जिससे हमें लगता है कि हाँ अब हम ठीक हो जाएंगे। ये गर्मी में और सर्दी में दोनों में एक तरह से होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को भी यदि कोई तकलीफ है, कुछ है, तो फौरन माँ की गोद में ले लिया जाता है ताकि वो गर्म महसूस करे और उससे उसको आराम मिलता है। इसके अलावा गर्मी देने के साधन, चाहे वो पुराने गर्म करने के तरीके हों, जैसे गर्म पानी में कपड़ा लगा के जो है भिगा के जो है उसको लगाना, या किसी और तरह से वहां पे ऊष्मा प्रदान करना, वो आसानी से हम लोगों को उपलब्ध है, जिससे कि हम जल्दी से जो है उस हिस्से पे गर्मी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा जल्दी ठीक होने के लिए हम लोग ऑपरेशन के बाद भी, कई बार ऑपरेशन के बाद जहां पे ऑपरेशन हुआ उसके आसपास गर्मी देने की का प्रयास करते हैं ताकि आराम जल्दी मिले, व्यक्ति जो है जल्दी चलने फिरने लगे, मूवमेंट होने लगे उस हिस्से का। अब हर बार एक ही तरह की ऊष्मा देना, एक ही तापमान पे देना या टेम्परेचर पे देना और आसानी से देना, इसके लिए हमको कई तरीके हैं। जैसे कि बहुत पहले एक रेड लैंप आया करता था जिससे कि रेड रेज, इंफ्रा रेड रेज निकलती थी और हमको गर्मी मिलती थी। इसके अलावा अब कई उपकरण आ गए हैं जिनसे कि कंट्रोल्ड तरीके से, नियंत्रित तरीके से शरीर के उस हिस्से पे ऊष्मा या गर्मी पैदा की जा सकती है। ये बार बार उसी स्तर पे, उसी तापमान पे ऊष्मा दे सकते हैं, गर्मी दे सकते हैं, जिससे कि व्यक्ति को ना तो जलने की संभावना होती है, ना कम ज्यादा होता है और जल्दी से आराम आ जाता है। हमारी रीढ़ की हड्डी भी जो है हड्डी के साथ साथ बहुत सारी मांसपेशियों के से बनी हुई है और उसके अंदर नसें भी जाती हैं। मांसपेशियां रीढ़ की हड्डी को स्थिर रखती हैं और चलायमान भी रखती हैं। रीढ़ की हड्डी की बीमारियों में या रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद या कभी गलती से रीढ़ में चोट लग जाए या उसके आसपास चोट लग जाए तो दर्द बहुत तीव्र होता है। इस पीड़ा में भी गर्मी यानी ऊष्मा प्रदान करने से जल्दी व्यक्ति ठीक होता है और आराम आता है। कई ऐसे उपकरण बनाए गए हैं, जैसे कि एक विशेष किस्म का बिस्तर तैयार हुआ है जिसके ऊपर लेट के आदमी को एक निरंतर सधे हुए तरीके से ऊष्मा प्रदान करी जाती है, जिससे रीढ़ की हड्डी के आसपास की मांसपेशियां ढीली होती हैं, स्पैज्म कम होता है और दर्द में आराम।